सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्तादि हेतवे तापत्रायो विनाशायो श्री कृष्णायो वयं नमः नाम संकीर्तनम यशम सर्व पाप प्रणाशनम प्राणम दुःख समनसम तम नमामि हरिम परम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं दराज 13। ब्रज की पावन धरा पर आना हर किसी को सौभाग्य नहीं होता, लेकिन जो लोग आ जाते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। आज हम ब्रज क्षेत्र के मथुरा में स्थित वृंदावन में हैं और वृंदावन में काफ़ी सारे मंदिर हैं जिसपे हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। इसी कड़ी में हम आज आपको लेके आए हैं रंग जी के मंदिर में। ये वृंदावन में स्थित है। रंग जी के मंदिर को हम सोने का खंभे वाला मंदिर भी कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे कि ये मंदिर क्यों बना, कैसे बनाया और किसने बनवाया। अभी हम रंगजी के मंदिर पर पहुंच चुके हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इस द्वार में से होकर के हम अंदर जा सकते हैं। अभी हम इसी गेट में से होकर के अंदर आ चुके हैं और इस समय सुबह का समय है और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। यह मंदिर मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र के आधार पर बना हुआ है और इसकी जो लागत थी करीब 45 लाख रुपए आई थी उस समय। इसकी बाहरी दीवार की लंबाई 773 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। मंदिर के अतिरिक्त एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी अलग से इसमें संलग्न किया गया है। मंदिर के द्वार का गोपुर काफ़ी ऊँचा है। भगवान रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊँचा और लगभग 20 फुट भूमि में भीतर धसा हुआ एक तांबे का ध्वज स्तंभ बना हुआ है जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है और इसे सोने का खंभा भी कहा जाता है और इसीलिए इस मंदिर को सोने के खंभे वाला मंदिर कहा जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है। ये मथुरा शैली का है। इससे थोड़ी दूर एक छत से ढका हुआ निर्मित भवन है जिसमें भगवान का रथ रखा हुआ है और वह रथ लकड़ी का बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये गजेंद्र मोक्ष कुंड है। यहाँ पर रक्षाबंधन वाले दिन चंदन का हाथी और चंदन का मगरमच्छ की यहाँ लड़ाई कराई जाती है और बहुत बड़ा है ये। ये रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत्र में बाहर निकाला जाता है। ये ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है। प्रतिदिन मंदिर में भगवान रथ में जाते हैं और सड़क से चलकर 690 गज रंग जी के बाग तक जाता है। ये जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रंगजी का मंदिर कब बनाया गया था और किसके बनाया गया था। देखिए, रंगजी का मंदिर सर 1851 में बनाया गया था और ये मंदिर लक्ष्मी चंद के भाई सेठ गोविंद दास जी और राधा कृष्ण जी ने बनाया था। इस मंदिर की बनाने की लागत थी करीब 45 लाख रुपए थी उस समय आई थी और इसके अंदर एक 50 फीट का ध्वज का एक स्तंभ बना हुआ है। इसकी जो लागत है करीब 10,000 रुपये आई थी उस समय। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की है और ये भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ साथ भी कुछ मूर्तियाँ और भी हैं जिनके भी मैं आपको लगातार दर्शन इस वीडियो में कराऊंगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वृंदावन आएँ और वृंदावन के बाद वृंदावन में ही ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर आने का जो समय है वो सर्दियों का समय है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और या फिर फरवरी से मार्च तक। मार्च में यहाँ पर एक आयोजन होता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मोत्सव। ये करीब 10 दिन चलता है और यहाँ पर मेला का भी आयोजन होता है। उस समय शीश महल यहाँ बंद रहता है हालांकि, और बाकी दिनों में खुला रहता है। अगर यहाँ आप आते हैं तो दो चीज़ अवश्य देखें, एक तो शीश महल है, दूसरा है भानगढ़। इसकी टिकट लगती है और 500 रुपये टिकट शीश महल की है, 10 रुपये टिकट भानगढ़ की है। भानगढ़ के अंदर कुछ ऐसे भान हैं जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा और बताऊँगा भी कि ये क्या क्या है। जैसे कि हंस है वहाँ पर, हाथी हैं और शीश महल के अंदर पूरा जो शीशों से जड़ा हुआ महल है। ये जो आप देख रहे हैं ये पहला द्वार है जिसमें कि हम एंट्री कर रहे हैं इस समय।
और एंट्री करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर की जो स्ट्रक्चर है और कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आप देख रहे हैं ये सभी मंदिर का प्रांगण है और ये सामने एक गेट भी है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर होकर भी हम अभी एंट्री करेंगे। और राइट हैंड पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका बहनगढ़, इसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी हम दूसरे द्वार के अंदर आ चुके हैं जो सामने यहाँ पर स्तंभ बना हुआ है, ये ध्वज स्तंभ, और इसी के जस्ट लेफ्ट में शीश महल है जहाँ पर शीशों से जड़ा हुआ वो पूरा महल है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अब बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रंगजी का मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अभी हम रंगजी मंदिर के अंदर हमने एंट्री कर दी है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सोने का खम्मा है जिस पर इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। इस पर एक मोटी परत जो है सोने की चढ़ी हुई है और अंदर से ही तांबे का है, और ये जिस समय बनवाया गया था उस समय इसकी लागत करीब 10,000 रुपये आई थी और ये 1851 में बनके तैयार हुआ था। आप सोचिए कि जिस समय 10,000 रुपये इसकी केवल इसी की लागत आई थी तो कितनी बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ रोजाना प्रसाद का वितरण होता है, आप देख रहे हैं इस समय वहाँ के जो पुजारी हैं प्रसाद वितरित कर रहे हैं और एक ही खीर के रूप में ये प्रसाद दिया जाता है जो हाथ में लेकर के डायरेक्ट खाया जाता है। अभी हम शीश महल की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको शीश महल का व्यू दिखाता हूँ अंदर का। अब हम बहानगढ़ के लिए निकल चुके हैं, ये जो बे जाता है दिस इज अ बे फॉर व्हीकल हाउस। Thank you.
सामने दर्शन है हनुमान जी महाराज का। कहते हैं राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की और रक्षा करो प्राण की, प्रेम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये सामने दर्शन है ठाकुर जी के जन्म का पेड़ है, असली पेड़ मिलेगा आपको यमुना किनारे जहाँ ठाकुर जी ने गुप्त गांव के वस्तु चुराए हैं। ये मंदिर के सवारी का पेड़ है, इस समय चैत के महीने मंदिर का उत्सव होता है, होली के तीसरे दिन मंदिर का उत्सव चालू होता है और मंदिर का 10 दिन का उत्सव होता है। 10वें दिन भगवान को वैकुंठ के लिए गमन कर देते हैं। ये ठाकुर जी की पालकी है, कहते हैं हाथी घोड़ा पालकी पालकी। सोताजी महाराज है सुखदेव भगवान, कहते हैं स्त्री विद्या धर्म तीन वस्तु में कोई किसको बांटने नहीं देता है, बोलने से भी अपराध लगता है। मुनिम जी ने अपने माता पिता के नाम से 4 भान मंदिर को दान में दिए। वृंदावन गांव में श्राद्ध दान पिंडदान गुप्तदान नहीं होता है, वृंदावन धाम में धर्म होता है खाली नाम का। कहते हैं चलेंगे वृंदावन धाम, अमर करेंगे माता पिता का नाम। मुनिम जी ने 4 भान मंदिर को बनाकर दान में दिए। ये सामने दर्शन है श्रीष्णा भगवान के, सबसे पहले आपने दर्शन किया श्रीष्णा के वो खंडित हो गए, खंडित मान पर ठाकुर जी की सवारी नहीं निकालते हैं। आज लक्ष्मीचंद जैन का सेठ तो है नहीं, उनके वंश में समय विजय सेठ है, विजय सेठ जी ने 1 किलो चांदी का श्रीष्णा मंदिर को दान में दिया है। इसके अंदर में चंदन है, उसके ऊपर में तांबे की प्लेट है, उसके ऊपर में 1 किलो चांदी का पत्थर खड़ा हुआ है। अब दर्शन करते हो चंदन के मंदिर में ठाकुर जी के 3 वाहन है, एक भगवान की पालकी है, गजानन महाराज है, आचार्य धातु मनोज सिंह साहब ने जितने भी सेठ के नौकर जाकर थे सबने चंदा इकट्ठा किया, 3 मान बना के दिल को दान में दिए। प्रेम चलो भगवान की पाली जाके इसके जा। फाइनली मैं आपको दर्शन कराता हूँ भगवान श्री रंगनाथ जी के। ये दर्शन करिए, ये सामने जो प्रतिमा है वो 7 दरवाजे के अंदर है। पूरे रंगनाथ महाराज की जय। मंदिर इतना विशाल है कि कई घंटों तक हम इसमें घूमें तब भी पूरा नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आप समय निकाल के आइए और समय निकाल कर ही आप इसको घूमिए। आप मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे आ जाइए, 6 से 7 घूमिए, उसके बाद में 1 घंटे का आराम करके दोबारा से फिर आप 8:30 से करीब 10-11 बजे तक घूम सकते हैं। यहाँ पर जो प्रतिमा है सामने जो दिखाई दे रही है ये भगवान श्री राधा राधे। अभी हम रंग जी के मंदिर में हैं और यहाँ पर जो बाहर से लोग घूमने आए हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरीके से मंदिर लगा और यहाँ मंदिर किस तरीके से वो आए और उनको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई,
इसके बारे में। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लिपिका शाह है। आप कहाँ से हैं? हम रायगंज उत्तर दिनाजपुर से। अच्छा, बंगाल। बंगाल से हैं आप। तो आप पहली बार आई हैं मथुरा में? नहीं नहीं, दो बार, 2016 में एक आए थे और 22 में दोबारा आई हैं आप। हाँ, हाँ। तो पहले आपने क्या क्या घुमा हुआ है वृंदावन के? पहले हमने हम राधा कुंड में कृष्ण जी के आश्रम में 9 दिन रहे हैं। तो वहाँ पे स्नान फान करके नहा के फिर हम 7 बजे निकल जाते हैं परिक्रमा में। तो राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरी गोवर्धन पैदल घूमे। और यहाँ पे जगत सेठ की बाड़ी भी, यहाँ भी आए थे। तो आप रंगजी मंदिर पहली बार आई हैं? नहीं नहीं, दो बार। तो ये दूसरी बार? हाँ, हाँ, दूसरी बार, ये दूसरी बार। अच्छा, तो आप सब लोग एक ही फैमिली से हैं या फिर कैसे? एक फैमिली है, हम और हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों ही हम आए थे। और इस 16 साल में मेरा बेटा का वरदान हुआ है। हाँ हाँ, ना वरदान था, होता वरदान था, नंद भवन से आशीर्वाद हुआ था जो अपने साल बाल गोपाल होगा, तो इसीलिए इसको पूजा देने के लिए घुमाए लेके आए हैं। बहुत अच्छा, तो प्रसाद है भगवान जी का, ये बहुत सुंदर राधा रानी का ये। और इसके इससे पूछिए दो बात। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं ये बोलिए? कृष्णा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन से आए आप? बंगाल से आए? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? LKG 1। तो अभी आपको मंदिर अच्छा लगा? अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? राधे राधे बोलो। बोलो राधे राधे। अच्छा, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, राधे राधे। अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कर्मशापवम सर्वमंगलम श्री मुदा कृतम भुवे के आनंदिते ए बोरी दा जना। राधे राधे। राधे राधे। सच्चिदानंद मोमिता शाह। अच्छा, आप भी बंगाल से ही है ना? हाँ। साथ में ही आपकी मदर? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप मथुरा पहली बार आई हैं या फिर पहले भी आ चुकी हैं? पहली बार। आप पहली बार आई हैं? अच्छा, और मम्मा आपकी पहले से आ रखी हैं ऑलरेडी? ठीक है। तो अच्छा, आप इस श्लोक के बारे में क्या जानती हैं? फर्स्ट श्लोक और लास्ट ही जानते हैं। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट और लास्ट बताइए आप। सच्चिदानंद रूपायो विश्वपत्तादि हेतवे तापत्रायो विनाशायो श्री कृष्णायो वयं नमः नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्राणम दुःख समनसम तम नमामि हरिम परम राधे राधे। इसका अर्थ जानती हैं आप? इसका अर्थ नहीं जानती है। तो जैसा कि अभी आपकी बेटी ने बताया इस श्लोक के बारे में, इसका अर्थ क्या है वो हम जानना चाहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्ति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ ये है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं सदा चित्त आनंद, उसका चित्त सर्वदा सदा चित्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और तापत्रय विनाशायो माने त्रिपात, माने हमारे पास त्रिपात जला है, आधा आधा भौतिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, ये 3 प्रकार मुक्त से जला से हमको मुक्त करिए भगवान, ये हमारा प्रार्थना है। इसका अर्थ ये है। राधे राधे। अभी यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, इनसे भी हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनको मंदिर कैसा लगा। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीनू। आप कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद से। तो मुरादाबाद से आज पहली बार ही आप यहाँ वृंदावन में आई हैं? नहीं, पहली दूसरी बार। तो रंग जी का मंदिर आपने पहली बार देखा है? नहीं, आए तो 2 बार हैं। अच्छा, दो बार आ चुके हैं, दूसरी बार है इस समय। अच्छा, यहाँ पर जो दर्शन किए आपने, तो यहाँ पे कौन से भगवान जी हैं? रंगनाथ जी ठाकुर जी हैं। ये भगवान विष्णु है? हाँ। भगवान विष्णु की प्रतिमा है यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा शीश महल देखा आपने? शीश महल नहीं गए। शीश महल नहीं देखा आपने? नहीं। अच्छा, वाहन घर है वो देखा? वाहन वहाँ पर पहले देखा था, याद नहीं रहा। हाँ। अच्छा, आप फैमिली के साथ ही आए हैं? हाँ, फैमिली। अच्छा, तो मथुरा में आपने कौन कौन से मंदिर देखे हैं आपने? वृंदावन में निधिवन देखा है और बांके बिहारी जी। और प्रेम मंदिर? प्रेम मंदिर भी यहाँ हुई आए थे। अच्छा, पहले गए थे। अच्छा, पहले गए थे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ पे आना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आते रहिए ऐसे ही।
आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से रंगजी महाराज के दर्शन करें और आपको मैंने पूरा मंदिर को घुमाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को